अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर समद मुसाफिर आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का एक ऐसे नायाब प्रोग्राम है जिसमें उस मसाइल के हल होने पे कोशिश की जाती है जिसमें जिसको हर इंसान हर आम और ख़ास शख्स को दरपेश हो सकता है, और उस मसाइल में से टेंशन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, पाँव का दर्द, कंधों में दर्द, पुराने सर दर्द, आदि सर का दर्द, मिग्रेन और अस्थमा जैसे बीमारियां, और कई ऐसे पेट की बीमारियां हैं जिसमें हल होने की कोशिश की जाती है। ऐसे आसन है जो कि आज ऐसे भी आसन बीच में है जिससे आप अपना कद बढ़ा सकते हैं, और ऐसे आसन भी है जिससे आप अगर नाफ की कोई प्रॉब्लम है उसको भी हल किया जाए, ठीक किया जाए। और ऐसे आसन है आज जिसमें बहुत से ऐसे मसाइल है जो लोग कहता नहीं है या किसी मालिश को भी नहीं कह सकता है, जिसे मखसूस अमराज कहते हैं, और उस आसन को आज करेंगे और आप अपने घर बैठे अपना इलाज खुद कर सकते हैं। और ऐसे मसाइल पे जिस तरह के कोल्हों के जो मसल्स है उसके बढ़ने के, उसको कम करने की कोशिश की जाती है, पेट को कम करने की कोशिश की जाती है। और इस तरह के आँखों के मसाइल है जो कि बहुत से लोगों को लाहक है, और इस तरह हो भी सकता है अगर किसी को नहीं है तो हो सकते हैं, क्योंकि मशीनी मसनूई दुनिया है, इसमें आँखों पे बुरे असरात है और आँखें किसी का भी ख़राब हो सकता है। तो इसकी दिफा के लिए, आँखों के दिफा के लिए हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारी आईज साइड भी ठीक हो जाएं, या अगर हमें नहीं है आई साइड सही है तो फ्यूचर के लिए हमारे आई साइड ख़राब होने से बच जाएं। तो इसलिए आज का जो प्रोग्राम है बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को लाजमी गौर से देखें और गौर से मेरे साथ योगा करें ताकि ये मसाइल खुदा ना करदा आपको दरपेश हो सकते हैं। इसलिए आज हम योगा करेंगे। सबसे पहले मैं योगा का वह आसन आपको बताऊंगा जिसमें खोलों को कम करने का और पेट के फालतू चर्बी को कम करने का हम आसन करेंगे। और ये आसन जो है खोलों के फालतू चर्बी को ख़त्म कर देते हैं, और टांगों में जो प्रॉब्लम्स होती है या कोई भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स इंसान को होती है, ये तमाम के तमाम आज हम ठीक करेंगे, और ये फालतू चर्बी जो टांगों का है बिल्कुल ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। ये आसन है जो कि अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसे साइकिलिंग कहते हैं। इस आसन को साइकिलिंग कहते हैं, और साइकिलिंग जो है ना योगा में स्लो है लेकिन दूसरे एक्सरसाइज में ज़रा सा तेज़ है। ये आसन खोलों के फालतू चर्बी और पेट के फालतू चर्बी को कम कर देते हैं। ये आसन एक ऐसे आसन है जो कि एक आम एक्सरसाइज की तरह भी है, लेकिन इसको सांस के साथ की जाती है। सांस रुक लेंगे, ले लेंगे सांस, सांस रुक ही रखा और साइकिलिंग शुरू किया आपने। ये साइकिलिंग आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से बढ़ा भी सकते हैं, यो तेज़ी से कर सकते हैं। शुरू शुरू में यो आहिस्ता आहिस्ता करने, यो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको आप बढ़ाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, फिर फुल ये देखिए पाँव को सीधा यू
लाकर यू यू और यू, यानी सांस रुका हुआ है, सांस जितना देर तक हो सके रुके रखे, सांस थक गए सांस छोड़े, लेकिन साइकिलिंग जारी रखे, फिर सांस ले, सांस रुका हुआ आप साइकिलिंग कर रहे हैं, फिर सांस छोड़ेंगे, ये आपके फालतू चर्बी को टोटली तौर पे यहाँ खोलो के और यहाँ के पाँव के ख़त्म कर देते हैं। साथ साथ एक आप जो है ना खुलो को कम करने के, पेट के फालतू चर्बी को कम करने के लिए एक और आसन है, वो आप गहरा सांस लेंगे, पाँव को यूं लेंगे, सांस थोड़ा आधा फेफड़े भरी हुई रुखा हुआ है, आधा फेफड़े भरी हुई रुखा हुआ है, अगर तंग आया सांस छोड़ दे, दोबारा ले, यूं कर ले, और ये आपके ये जो फालतू चर्बी है यहाँ के, ये तमाम के तमाम और जो कमर पे है और पेट के मसल्स को यो वर्जिश देता है, पेट के मसल्स को भी बेहतर कर देते हैं और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और फालतू चर्बी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये है, अगर इसको थोड़े से पाँव को साथ यू भी कर ले तो अच्छा है, अगर शुरू शुरू में आप ना कर सके तो ज़रूरी नहीं है। याद रहे साइकिलिंग में जो है ना, साइकिलिंग में आप शुरू शुरू में 5 से 10 बार करें, ये आप 200 बार भी फिर कर सकते हैं ऐसा ऐसा, अगर आपने पिछला प्रोग्रामिंग योगा की होंगी तो फिर तो साइकिलिंग वाला आप कर सकते हैं, कई 20 बार कर सकते हैं, 30 बार, 50 बार, फिर ऐसा ऐसा 100-200 बार तक बढ़ा सकते हैं। और ये जो है ये भी इसी तरह की, आप इसको तेज़ी से करेंगे तो आपके पेट की फालतू चर्बी और कमर की फालतू चर्बी और खोलों की फालतू चर्बी को ख़त्म कर देता है। ऐसा ऐसा इस पर भी बढ़ाएंगे, शुरू शुरू में 2 या 3 बार करो, बाद में जो है ना आप इस पर ऐसा ऐसा बढ़ा सकते हैं। यह है आपके खोलों और पेट के फालतू चर्बी के लिए आसन, जो जिसके ज़रिए आप पेट की फालतू चर्बी और खोलों के फालतू चर्बी को ख़त्म कर सकते हैं। अब है मखसूस अमराज के लिए, मखसूस अमराज के लिए मैं आपको आसन बताना चाहता हूँ। ये आसन आपने हाथ यहाँ पर रखना है, ये थोड़े से उस साइड पे हो, या आप इसको यहाँ पर भी ला सकते हैं, यहाँ पर भी ला सकते हैं आप, तो इसी से आप जो है ना यहाँ को पकड़ सकते हैं, यहाँ को, और इस हाथ को यहाँ ला सकता है यू, और सर को थोड़ा सा यू कर ले और यू कर ले, सांस आपने आधा नीम पेपड़े आपने भर लिए होंगे इस तरह के, दूसरा साइड पे ये, अगर आप इस तरह नहीं कर सकते हैं तो आप इसको यूँ भी कर सकते हैं। मखसूस अमराज जो ऐसे अमराज जो लोगों को होते लाहक होती है, यानी वो अमराज जो जिसे जिनसे अमराज कहते हैं, और लोग अपने टीचर से भी जिक्र नहीं कर सकते, तो इसलिए इस हालत में इंसान को बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि अपने टीचर को भी वो बता नहीं सकते, अपने मालिज को भी नहीं बता सकते, तो ये आपके प्रेशराइज करता है आपके मसाना, मखसूस अमराज के जो ऑर्गन्स है, और उसको वर्जिश देते हैं, जिसके ज़रिए आपके बहुत से ऐसे अमराज है जो ठीक हो सकते हैं। और ये आधे सांस के साथ, यानी मैंने कह दिया कि आधे सांस के साथ आपने करनी है, तो ये मखसूस अमराज के लिए है, और मखसूस अमराज के लिए साथ साथ ये पाँव को इस हालत में, अगर इस हालत में हो, यानी एक दूसरे से यूँ हो, गहरा सांस लिए और ये पाँव, ये जो है यहाँ पर यूँ रखा आपने, यहाँ पर यूँ, ये पाँव यूँ रखा आपने, और थोड़ी सी जो है ना प्रेशर आप अपने
अपने बॉडी पे लें, नीचे सर लगाने की कोशिश करें, फेफड़े भर लें, बहुत भी नहीं भरे हो, थोड़े से, और नीचे जाए। इससे आपकी ये फालतू चर्बी घोलों का भी कम हो जाएंगी, और साथ साथ आपके मखसूस आना चाहे लेडीज का है चाहे मर्दों का है, सबका ठीक हो जाता है, बेहतर हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ठंडक लाने के लिए, ठंडक लाने के लिए यानी ठंडक पैदा करने के लिए आसन बताना चाहता हूँ। ठंडक को पैदा करने के लिए, ठंडक पैदा करने के लिए आप आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, और जब आप आलती पालती मार के बैठ जाते हैं हाथों को यूँ रख लेते हैं या यूँ रख लेते हैं, एक ही बात है। ठंडक पैदा करने के लिए आपने जबान को यूँ रोल करके और सांस लेंगे, सांस अंदर ले जाएंगे, नाक से निकालेंगे, खूब फेफड़े भर के नाक से निकाल दे, दोबारा यहाँ से ले ले। इससे जबान बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है और बहुत ठंडक लगने लगता है। लंबा सांस ले। ठंडक लाने का एक और तरीका, दांतों को एक दूसरे से मिलाएं और तेजी से दांतों के सुराखों से अंदर जाते हुए हवा प्रेशर से जाते हैं तो जबान में और बॉडी में ठंडक आते हैं, वो यू है। यहाँ से सांस लाया लिया और ये मुंह से छोड़ा, ये देख, इस तरह के ये कई बार आप 20 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, ये आप देखेंगे कि ठंडक का आपको बहुत महसूस होगा और बहुत ठंडे ठंडे लहरें बॉडी में आते हैं। तो ये है इसका ठंडक लाने का मशक।